मैं सूर्यकांत बोल रहा हूँ। कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए मेरे तरफ से मैं कोशिश किया। मैं अभी पोलैंड पे हूँ और मेरा एक दोस्त डीके, उन्होंने मेरा को बहुत हेल्प किया और सब कुछ उन्होंने करके मेरे को दिया। और मैं पहले दुबई में काम कर रहा था, तो मेरे को वर्क परमिट दुबई आ गया था दुबई में, लेकिन वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए पोलैंड एम्बेसी के लिए पे ज़्यादा जल्दी, इतना जल्दी तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। मैं कम से कम 6 मंथ 8 मंथ तक वहाँ पे मैं अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई किया, लेकिन नहीं हो पाया। वहाँ पे कोई एजेंसी में नहीं कराते, बोलते हैं हम पोलैंड के लिए हम नहीं करते। मैं इंडिया से आके फिर अपॉइंटमेंट लिया, इंडिया से पूरा अच्छी तरह से हुआ और मेरे को BFS थ्रू में जाना पड़ा और वहाँ अम्बासी के पास गया, अम्बासी इंटरव्यू लिया, बहुत सारे क्वेश्चन किया, मीन्स नॉर्मल क्वेश्चन किया, लेकिन वो इजीली क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है। और इस बात में मैं शेयर कर रहा था और मेरा दोस्त मेरे को बहुत हेल्प किया, जो भी है डीके भाई ने सारे हर चीज़ का मैं इंफॉर्मेशन के लिए उसको मैं पूछता रहा, कैसे इंटरव्यू होगा, क्या होगा, पूरा डिटेल से मेरे को उसने सब बता रहा था। तो मैं बहुत इस वजह से सक्सेस हुआ, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, थैंक यू। मेरे को वीज़ा इंटरव्यू के लिए दिल्ली एम्बेसी से, पोलैंड एम्बेसी से मेल आया और बाद में वो मेल आने का उन्होंने लिखा गया था, वो मेल का कॉपी लेके जाना साथ में, तो मैं मेल का कॉपी साथ में लेके गया था। और 10 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ, 15 मिनट का एक इंटरव्यू होता है, 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट के अंदर ही इंटरव्यू हो जाता है। और वहाँ कुछ सवाल करते हैं, वहाँ तीन काउंसलेट ऑफिस में तीन लोग बैठते हैं, एक पुलिस, एक इंडियन, एक यूरोपियन यूनियन का उनका ही, तो उन लोग इंटरव्यू का पूछते अपने बारे में, कंपनी के बारे में, कौन सी जगह जा रहे हो, कैसे ट्रैवलिंग करना है, फैमिली के बारे में, जॉब के बारे में, सैलरी के बारे में, सब कुछ वो पूछते। बाद में उसके बाद वो 20 15 से 21 का अंदर तुम्हारा पासपोर्ट फिर भेज देते अपना एड्रेस पे।